चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। चिराग जी हो या रामविलास जी हो, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं, लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिस तरीके से बारा जनपद में रह रहे थे और उनके बंगले को खाली करवा दिया गया। बता दें आपको कि रामविलास पासवान के निधन के बाद भी चिराग पासवान बारा जनपद बंगले में रह रहे थे, जिसके बाद जो बीते दिन तमाम जो PWC के जो अधिकारी हैं और जो लोग थे वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर उनके बंगले को खाली कराया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान इस पर सामने आया है, चिराग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बंगला तो चलिए छीन गया, लेकिन असली जो बंगला होता है वो तो बीजेपी ने पहले ही छीन लिया था। जो असली बंगला यानी कि चुनाव का सिंबल है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही छीन लिया था और पार्टी के वो दो खंड में बांट दिया। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा। चिराग पासवान ने कहा कि अंतिम सांस तक रामविलास पासवान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और चिराग जी भी कहते हैं कि हम उनके हनुमान हैं और हम जिस तरीके साथ हनुमान के ही घर में आग लगाई है तो इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ किया है उनका असली बंगला ही पहले छीन लिया था। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर, जरा बोलिए। जिस तरीके से इंदिरा आप देख रहे हैं चिराग पासवान के साथ जो हुआ, बंगला खाली कर देगा, एक समय था जब लालू प्रसाद यादव उनके बंगले को बचाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा करते थे, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी का हनुमान बन गए। देखिए रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया, तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं, लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या, कैसे अब हम इसमें क्या बताएं, ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। तेजस्वी जी, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, पहले तो प्रवक्ता कहते थे, अब तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो क्या उनका भरोसा नहीं रहा सीएम पे, नीतीश कुमार पे? हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है और लाएगा कौन, क्या है मॉडल, क्या है मॉडल, क्या है हमको तो पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर ही उनका मॉडल है। हाँ, बुलडोजर ही उनका यूपी मॉडल। क्या होता है वो, किस लिए, हमको वो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया। भाई बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया,